मॉर्निंग मोदी के मॉर्निंग फ्रेंड्स, नाम है पिंकी सोनी। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं मोदी केयर के एक ऐसे प्रोडक्ट के बारे में आपको बताने जा रही हूँ जो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। वो है मोदी केयर का टी ट्री ऑयल। ये ऑयल जो है मैंने पर्सनली यूज़ किया है और इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स मुझे मिले हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ भी इसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो शेयर करूँ। आप भी इसे यूज़ करें और खुद पाएंगे कि कितना अच्छा है, कितना ज़रूरी है हम सबके। सबसे पहले बात करना चाहूँगी आपके बालों के बारे में। अगर आपके बाल झड़ते हैं, अगर उनमें डैंड्रफ है या फिर बहुत ही वॉल्यूम कम है, आपकी स्केल्स जो हैं उसमें इचिंगनेस होती है, तो आप टी ट्री ऑयल यूज़ कर सकते हैं। आप जो भी ऑयल यूज़ करते हैं उसमें उसकी कुछ ही ड्रॉप्स आपको ऐड करनी है, अपने बालों में इसकी मसाज करनी है और उसके बाद इसको अपने हेयर्स को वॉश कर देना है। आप देखेंगे 2 वीक के अंदर ही आपका हेयर फॉल जो है वो कम हो जाएगा। अगर डैंड्रफ का प्रॉब्लम है तो डैंड्रफ बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो जाएगा आपके बालों से। ये तो बात हुई आपके बालों की। अगर डैंड्रफ है तो डैंड्रफ दूर हो जाएगा, हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होता है तो हेयर फॉल कम हो जाएगा। इसके साथ साथ अगर आपके सर में दर्द है तो सर में दर्द के लिए क्या करना है, जस्ट आपको ये लेना है और इसकी एक ड्रॉप जो है आपको यहाँ और एक ड्रॉप यहाँ और इसको अच्छे से हेड पे आपको मसाज करना है और आप पाएंगे कि थोड़ी देर में आपका जो हेडेक है वो बिल्कुल बंद हो जाएगा। तो ये हेडेक में बहुत अच्छा काम करता है। प्लस इसकी 2 ड्रॉप लेके आप इस तरह से अपने कान के पीछे भी यूज़ करें तो आपका जो स्ट्रेस होता है, आप ज़्यादातर आप देख रहे हैं कि ऑनलाइन सभी कुछ हो रहा है, ऑफिस भी है, स्कूल भी है, तो हेडेक होना बहुत नॉर्मल सी प्रॉब्लम है। तो अपने कान के पीछे 2 ड्रॉप और 2 आपके हेड पे और अच्छे से थोड़ा मसाज कीजिए, आपका जो हेडेक है वो दूर हो जाता है इसे। तो ये हेडेक में बहुत अच्छा काम करता है। और अगर आपके पिंपल्स हैं, कोई स्किन चैलेंजेस हैं, तो उसमें भी टी ट्री ऑयल बहुत अच्छा काम करता है। स्पेशली अगर आपके फेस पे कोई भी पिंपल है या किसी भी तरह के दाग धब्बे हैं, तो पिंपल के लिए मैं कहूँगी कि इसको आप डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हो। उसमें कुछ ऐसा नहीं कुछ ऐड ही करना है, बट ऐड करके भी यूज़ कर सकते हो। आप किसी फेस पैक में भी इसको ऐड कर सकते हो। पिंपल जहाँ पर भी है, सपोज आपके यहाँ पर पिंपल है फेस पे कहीं पर भी, तो उसमें डायरेक्ट आप इसे अप्लाई करें और 2 से 3 दिन में आपको जो पिंपल है वो फिनिश होने लगेगा और उसके जो दाग हैं, निशान हैं, वो भी जाने लगते हैं। ये बहुत अगर आपके फेस पे कोई भी पिंपल है या किसी भी तरह के दाग धब्बे हैं, तो पिंपल के लिए मैं कहूँगी कि इसको आप डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हो। उसमें कुछ ऐसा नहीं कुछ ऐड ही करना है, बट ऐड करके भी यूज़ कर सकते हो। आप किसी फेस पैक में भी इसको ऐड कर सकते हो। पिंपल जहाँ पर भी है, सपोज आपके यहाँ पर पिंपल है फेस पे कहीं पर भी, तो उसमें डायरेक्ट आप इसे अप्लाई करें और 2 से 3 दिन में आपको जो पिंपल है वो फिनिश होने लगेगा और उसके जो दाग हैं, निशान हैं, वो भी जाने लगते हैं। ये बहुत ही स्किन फ्रेंडली है, इसे बच्चे या बड़े कोई भी इसे यूज़ कर सकते हैं, कोई भी इसके साइड इफ़ेक्ट नहीं है। और अगर पिंपल के अलावा आपकी स्किन में कोई एलर्जी है, इचिंग होती है, खुजली है, कुछ भी है, खुजली खाज जो भी है, तो आप इसे बाथिंग के टाइम पर यूज़ कर सकते हैं। बकेट में पानी भरिए 20 लीटर और इसकी 2 ड्रॉप उसमें डाल दीजिए और उसके बाद उससे नहाइए, तो आप देखेंगे कि आपकी स्किन के जो भी चैलेंजेस हैं वो धीरे धीरे ठीक होने लग जाएंगे। तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें। ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, आपके बालों को अच्छा करता है, आपकी स्किन को अच्छा करता है, स्किन के जितने भी चैलेंजेस हैं उनको दूर करता है। अगर आपको सर्दी है, जुकाम है, बच्चों में ज़्यादातर देखा जाता है कि सर्दी जुकाम होता रहता है, तो आप उनकी नेक पे, चेस्ट पे, बैक पे कहीं पे भी थोड़ा सा लेके और बॉडी लोशन या जो भी लोशन है या डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं। इसको अच्छे से रब करके लगा दीजिए, उनको बहुत जल्दी रिलीफ मिलेगा। आजकल बच्चे जो हैं बाहर खेलने भी लगे, पार्क्स में जाते हैं खेलने के लिए, तो बहुत मच्छरों की प्रॉब्लम्स की वजह से हम उन्हें भेज नहीं पाते हैं बाहर, तो इसका भी बहुत अच्छा सॉल्यूशन है टी ट्री ऑयल। जस्ट एक मग में थोड़ा सा पानी लीजिए और इसकी 2 ड्रॉप डाल के आप अपने बच्चे के हाथ जो भी मतलब एरियाज जो खुले रहते हैं या फिर उनके पैर जहाँ पे भी काटते हैं, अगर वो स्लीवलेस कपड़े पहन के बाहर जा रहे हैं, तो उनके स्लीव को उस पानी को अच्छे से इसको लगा दीजिए और उनको खेलने जाने दीजिए। फेस पे भी आप इसको लगा सकते हैं, मच्छर बिल्कुल आपके बच्चे के पास नहीं आएंगे। ये बहुत ही ट्राइड एंड टेस्टेड है। मैं अपने बेटे को जब भी बाहर भेजती हूँ तो हमेशा टी ट्री ऑयल को थोड़ा सा रब करके भेजती हूँ, एक भी मच्छर उसके आसपास नहीं आता है। तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। अगर आपने एक बार इसे ट्राई किया तो आप दोबारा इसे ज़रूर लेना चाहेंगे। थैंक यू सो मच।